जी, क्योंकि इसको भी मसला हो रहा है, हो सकता है हमारा मसला हो। चमन और अरे नहीं हुआ तहसीन, आपने जी किया ये सर। है कि आपने अगर इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर सेम फॉर्मेशन लगाना चाहती हैं तो पहले जी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपने दूसरे पूरे जी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। आपने देखे सिर्फ पहली लाइन को सिलेक्ट किया था तो उसने पहली लाइन के ऊपर वो सेम प्रीवियस फॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया है। सर, मैं कर ही रही थी और वो एकदम से हो गया, मैंने अब सिलेक्ट ही आपने करी थी आपने प्रीवियस। यहाँ पे इसकी सिलेक्शन नहीं करनी, अब आपने वापस उस पैराग्राफ पे जाना है जिस पैराग्राफ को आपने फॉर्मेट किया है, उस पैराग्राफ को दोबारा सिलेक्ट करें और फिर ओके फॉर्मेट पॉइंटर यूज करें। सर जी शुक्र है सर, मुझे अब आवाज आ रही है। सर मेरा भी यही इशू है यही इशू है। चले आप जी देखें। सर। ये सर पहले पहले पैराग्राफ पे मेरी लग गई थी ना, लेकिन जब उसको मैं दोबारा नीचे लेके गई हूँ क्लिक करके फॉर्मेट पे, ऊपर आई हूँ पेंटर पे, तो फिर नहीं हुई उस पे। ओके तो ठीक है, अभी ये कर रही है तहसीन लाइव प्रैक्टिस, मैं देख रहा हूँ, अब आप लोग भी देखें कि क्या कैसे करना है इसको। जी तो तहसीन आपने क्या किया, सबसे पहले आपने फॉर्मेशन की पैराग्राफ की, साथ साथ सर बताएं ये पता नहीं क्यों इस तरह खराब खराब आ रहा है आप जी अपनी सर। आपकी जो सर पहले सिलेक्शन, मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, पहले मैंने इसकी फॉर्मेशन कर दी। आपने माउस, आप माउस यूज कर रही हैं या आपके पास माउस पैड है? सर मैं लैपटॉप के अंदर जो माउस है वो यूज कर रही हूँ। लैपटॉप में जो माउस पैड है आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं? जी जी आपके माउस पैड जी उसी का इस्तेमाल कर रही कर जाती है, आपसे सिलेक्शन ठीक तरीके से जी सर, आपसे सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं सर। तहसीन अपनी बैकग्राउंड पे अपना नॉइस को कम करें। जी सर हाँ जी तहसीन, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो सिलेक्शन करती है ना, सिलेक्शन करते हुए आपकी फिंगर स्लिप कर जाती है और उसके स्लिप होने से आपकी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है। ओके सर उसको भी सिलेक्शन बहुत एहतियात से करनी है आपने। अच्छा सेम प्रॉब्लम चमन आपको भी यही था? ओके मैं दोबारा जी चमन आप शेयर कर सकती है मेरे सर साथ? मेरा नहीं सर, मैं मोबाइल से ऑन हूँ अच्छा आप सर। मोबाइल से। मेरा फर्स्ट जी सर फर्स्ट टाइम जो मैंने लगाया है ना, सारा कुछ हो गया था बिल्कुल सही, लेकिन जब उसको आपने कहा है ना कि अब आप दूसरा पैराग्राफ कोई भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट करें और उस पे फिर ये फॉर्मेट पेंटर लगाएं, तो आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो सारा खुद हो जाएगा। वो नहीं हुआ दूसरे पैराग्राफ, वो वैसे का वैसा ही आया है ठीक है ये देखें, ये अभी तहसीन कर रही है, आप इसको चेकआउट करें। जी सर। तहसीन आपने फिर गलत किया, आप पैराग्राफ को, हाँ इस पहले पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने फॉर्मेशन लगाई है, ये आपकी सिलेक्शन हो गई, अब आप फॉर्मेट पेंटर का बटन प्रेस करें। हाँ जी अब आप नीचे आए, जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने लगाना है इसको सिलेक्ट कर दें। अब आप देखें जब आपने सिलेक्ट किया, आपने पहले क्लिक कर दिया, वो कैसे करेगा उसको अप्लाई? आपका क्लिक नहीं होना चाहिए, आपका क्लिक होना चाहिए उसी सूरत में जब आप उसकी सिलेक्शन कर लें। प्रॉब्लम आपकी तरफ ये आ रही है। ठीक है आप तहसीन अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें, मैं अब अपनी, हाँ ठीक है करें दोबारा। हाँ जी आप सिलेक्ट करें, छोड़ दें, हो गया।
जी सर हो गया, वो मैं जब सेलेक्ट करती थी ना मैं बटन वो क्लिक कर दे रही थी, सर से शायद नहीं हो रहा था, ठीक है समझ आ गई। आपकी आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि आप सिलेक्शन से जी कर पा रहे हैं। तो चमन आप सर प्रॉब्लम कहां सर, अभी जब अगर हमने इसको दोबारा ही वो करना है कंट्रोल जी से, ये तो नहीं हो रहा। हां खत्म करना है तो कंट्रोल जी दबा दें, ये खत्म हो जाएगा सर। ये तो नहीं हो रहा कंट्रोल, अभी वो क्या हुआ या नहीं हुआ तहसीन जी? सर हो गया, जब मैं करती तब नहीं होता, जब आपको बोल रही थी फिर हो जाता, जब आप मुझे बताती है तब हो जाता जी। तू तो समझता है कि आप ठीक है। अच्छा जी चमन, आपको बात समझ आ गई? और उसके बाद जहां पर भी हमने इसको हमने जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना होगा तो हम वहां पर आएंगे और इसको उसी जगह को पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उस पर ये कर देंगे सर। ये तो नहीं हो रहा फिर। आपने क्लिक कर दिया था पहले, जब तक देखे आप गौर नहीं कर रहे कि जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं पहले पहले दोबारा जरा सिलेक्ट करें इसको स्किमिंग वाले को। हाँ अब जब आप इसको फॉर्मेट पेंटर करते हैं दोबारा, हाँ ये देखें, अब आप देखें कि आपके कर्सर के साथ एक डॉट का साइन आ रहा है अभी। जी जी हाँ जी आ रहा है अभी, हो गया। जब तक आता रहेगा तब तक आप मतलब है कि कमांड काम कर रही है, लेकिन जैसे ही ब्रश का साइन इसका मतलब है आपकी कमांड खत्म हो गई है जी। तो इसी तरह सोफिया हमने सही है, फाइल में प्रिंटर है जो वही है, ये जो ये है, ये जो आपको नजर आ यहाँ पर क्लिप बोर्ड जो है लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मेट का कट कॉपी और ये फॉर्मेट। अच्छा बात सुनिए, ये फॉर्मेट वाला मेरे पास सामने तो नहीं है, आपको तो सामने आ रहा है। सोफिया आपके पास कौन सा सामने है ना, होम की कीपर है कौन सा आपका? हेलो सोफिया आपका वर्ड कौन सा है? जी सर आ गया, आ गए आ गया जी सर। तो आपने उसको छोटा किया हुआ था ना, मिनिमाइज था वो आप। जी जी तो मैक्सिमाइज करके देखेंगे तब आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। ओके जी, तो हमने इस चीज को फिर एक बार दोबारा रिपीट करके देख लिया, सारे ऑप्शंस दोबारा चेक कर लिए। सर एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। वो जो मैंने आपको बताया था मैंने इंडेक्स पेज बनाया था उसके ऊपर कलर मैंने आपसे कहा था कि इसको चेंज करना है ना सर, वो कलर का मुझे बता दे कि कैसे, मतलब अगर हमने सारी हेडिंग्स की एक साथ कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? आप उस इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे कर देंगे सर, कैसे मैंने देखती हूँ मेरे इंडेक्स पेज जो है वो कहाँ चल रहा है उस पे कैसे करेंगे सर? आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद कलर अप्लाई कर पॉइंट्स पे अगर हमने करना हो, जैसे मेरे पॉइंट्स थे और उनके जो अलग अलग लेवल्स थे ना, आप अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग लेवल्स को सिलेक्ट करें और अलग अलग एक साथ नहीं हो सकता सर? एक साथ भी हो सकता है, आप पूरे टेबल को टॉप से सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं सर ऐसे नहीं, मेरे टेबल पहले आप उसको दोबारा बनाएंगे और फिर मुझे उसके बाद चेक करवाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा, फिर लाइव उसको चेक कर लेंगे। ओके ठीक है सर। ठीक है जी, ओके आज हम जिस चीज को देखेंगे दैट इज द नेक्स्ट टैब। Can you see my word file? Yes, sir. Okay. So we have completed our file tab and home tab of Word 2013, and now we are proceeding towards our third tab, that is insert. Sir, मैंने कर लिया। जी?
अच्छा जी, इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है जी, कौन बताएगा? दाखिल करना, दाखिल लगाना, लगाना, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अपनी फॉर्मेशन फॉर्मेटेड फाइल के अंदर जो हमने फाइल टाइप की, उस फॉर्मेटेड टाइप फाइल के अंदर हम अब चाहते हैं कुछ इनोवेशन डाली जाए, और इनोवेशन जो है वो आप इंसर्ट के टैब में से मिलेंगी। अब इंसर्ट के टैब में क्या क्या है, लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर अस। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन मौजूद है कवर पेज का, क्या है जी? कवर पेज। अच्छा, अब कवर पेज क्या होता है? जैसे ये देखें, मैंने एक अपना कस्टमाइज्ड पेज बनाया, ये मेरा कवर पेज है मेरी इस फाइल का, जिसके अंदर 71 पेजेस है। इस 71 पेजेस का मैंने अपने डाटा के हिसाब से मैंने एक कवर पेज डिजाइन कर लिया, सिंपल सा। अब अगर आप कवर पेज खुद डिजाइन नहीं कर सकते, अगर आप कवर पेज खुद डिजाइन नहीं कर सकते, तो वर्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी फाइल के ऊपर कवर पेज प्री प्लान्ड प्री डिजाइन ले सकते हैं, और उसके अंदर पे थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। अब आप जब कवर पेज के ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये कुछ डिजाइन आ रहे हैं। इन डिजाइन में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें और फिर उसको अप्लाई कर दें। सपोज मैं ये विस्प स्टाइल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि मेरा जो कवर पेज है वो इस मेरी फाइल के टॉप पर लग गया। अब यहाँ पे ये वर्ड का स्टाइल है, वर्ड ने आपको बना के दिया है कि इस तरह का आप अगर टाइटल पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक टाइटल पेज हमारे से ले लें, और ये उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नेम है, डेट है, और साइड पे थोड़ा सा डिजाइन है, और फिर आप कंपनी नेम वगैरह ये वो जो भी आप डालना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, खत्म कर दें, इसको डिलीट कर दें, और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसको आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख दें, यहाँ पे आप डेट रख दें, तो आपका एक जो टाइटल पेज है वो डिजाइन हो जाएगा, यानी कवर पेज है वो। सर, जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और फिर अपना आ जाएगा, ऐसे ही है। मैंने आपके सामने जैसे इसको डिलीट किया, और फिर अपनी मर्जी से मैं कुछ भी अगर टाइप करना चाहूँ तो उसको टाइप कर सकता हूँ, सेम लाइक यू कैन डू। इसी तरह यहाँ से आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, जो अभी आप डेट लगाते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे आप। और ये सारा डिजाइनिंग, ये सारे फीचर आप खुद भी बना सकते हैं वर्ड के ऊपर। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल आप थोड़ा लेट भी सो भी है, कल मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट आपको वो वाले फीचर प्रोवाइड्स करता है जो डिजाइनिंग के लिए दुनिया इस्तेमाल करती है, दो प्रोग्राम, एक तो अडोब फोटोशॉप का और एक कोरल ड्रा का। तो कोरल ड्रा और फोटोशॉप के जितने भी फीचर्स हैं, आप उसका अमलगमेटिक जो फीचर्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड के ऊपर। ये ना सिर्फ आपकी फाइल को बहुत अच्छा फॉर्मेट करता है, बल्कि आपकी फाइल को बहुत अच्छा डिजाइन करने की सलाहियत भी रखता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वो डिजाइनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कवर पेज में कुछ डिजाइनिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और कुछ आप जो है वो अगर बनाना चाहें खुद तो आप खुद भी बना सकते हैं। क्लियर जी यहाँ तक? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन मौजूद है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का पहले ही मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक तहसीन ने। यस सर, मैंने पूछा था। मैंने आपको तब भी बताया था कि ब्लैंक पेज आप किसी भी जगह पर कर्सर रख के अगर आप ब्लैंक पेज इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एक और नया पेज जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा फाइल के अंदर। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया तो एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है? खाली खाली पेज। और ब्लैंक चेक का क्या मतलब? जी सर, ब्लैंक चेक का क्या मतलब होता है? खाली चेक सर, जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता। साइन हुए होते हैं लेकिन पेमेंट नहीं होती। हाँ जी,
दैट इज कॉल्ड ब्लैंक चेक। अच्छा जी, उसके बाद है जी पेज ब्रेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेज ब्रेक का। इसको आज आप लोगों ने मेरा टाइम उसके ऊपर दोबारा वेस्ट करवा दिया होम टैब के ऊपर, इसलिए आज हम इसको नहीं करेंगे। पेज ब्रेक को कैसे यूज करना है और इसका असल में है क्या, मकसद क्या है, इसके ऊपर अब बात करेंगे कल। आज हम बात कर लेते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर भी मैंने बात कर ली थी, मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से कॉलम और रोज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है और किस तरह से इसमें इंसर्ट किया जा सकता है टेबल को। तो आपको याद है? जी सर। जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद उसका टेबल को फॉर्मेट करने वाला एक अलग से टैब ओपन हो जाता है, कंटेम्पररी टैब होता है। उस टैब से आप टेबल के मुख्तलिफ डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और टेबल के जो आउटलाइन हैं, बॉर्डर्स हैं, वो भी वहां से फॉर्मेट किए जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रा अपनी असाइनमेंट सुन लीजिए कि आप लोगों ने टेबल ऐसा बनाना है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक दफ़ा सुन लें। आपने ऐसा टेबल बनाना है कि जिसकी बॉर्डर लाइंस यानी कि आउटर मोस्ट लाइंस टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वो तीन लाइंस हों और उसके अंदर कम से कम पांच रोज हों और आप पांच ही कॉलम भी बना लें। तो पांच रोज और पांच कॉलम जो आप इंटरनली उनकी दो दो लाइनें हों, यानी कि वो दो लाइनों से मिलकर उनकी एक बॉर्डर लाइन बनती हो। और जो बॉर्डर लाइन सर कैसे क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट करें। दो लाइनें वो बॉर्डर लाइन क्या होनी चाहिए, तीन? एक मिनट जी होल्ड कीजिएगा जरा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। नहीं करो